बस दीपक। थैंक यू। किस बात का यार? अरे तेरे जैसे इतना बड़ा आदमी हम लोग सेकंड क्लास में सफर कर रहा था, इसलिए यार। चल हटा इन बातों, फिर कभी लगा रहता है। तू जब भी कहेगा यार मैं हाजिर हो जाऊंगा, पहले सेटल तो होने दे। अरे तुम जैसे बड़े आदमी को सेटल होने की क्या जरूरत है? यू डिग्री दिखाई और खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी। सेटल तो अपने जैसे लोगों को होना है यार। नहीं यार, मेरे घर वाले डिसिप्लिन पसंद है, वो तो चाहेंगे कि पहले मैं खुद कुछ करके दिखाऊं, फिर वो कंपनी खोलेंगे। और दरअसल मैं भी यही चाहता हूँ यार, घर वालों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने से क्या फायदा। अपना तो स्टाइल ही यही है, बंदूक भी अपनी, ताकत भी अपनी, हर शाना भी अपना। बात है। अरे चलो यार, मेरी गाड़ी आ गई। व्हाट अ कार यार। इम्पोर्टेड है, हमारे पास तो ऐसी चार है, फियट, मारुति, जिप्सी, ये सब तो हमारे नौकर चाकर यूज करते हैं। अरे आप आ गए। जीत रहे हो बेटा, जीत रहे हो। चलो चलो जल्दी करो। अरे इस तरह मुंह खोल कर क्या देख रहे हो? इनकी गोद में तो पलकर मैं बड़ा हुआ हूँ, इनकी इज्जत करना, आशीर्वाद लेना, ये सब तो मेरा फर्ज बनता है यार। चलो बेटा चलो जल्दी करो। अच्छा जी, चलता हूँ यार। ओके बाय दीपक। बाय बाय बाय। सवाल के बाय बाय। क्या गाड़ी है यार। आ गया तुम्हारा बेटा, संभालो उसे। आ गया? हाँ। कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है। माँ। अरे वही रुक, वही रुक। जी दे रहो बेटे। कैसा है रे तू? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें पथरा गई थी। मैं ठीक हूँ माँ, बिल्कुल भला चंगा। भगवान करे तुझे नजर न लग जाए। हो गई पूजा? हाँ जी। शाम को मिलेंगे फुर्सत से। हाँ अजी, मुँह तो मीठा करो। नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है। हाँ आपको हमेशा जल्दी लगी रहती है, 5 साल के बाद आया हमारा बेटा, 2 मिनट उसके साथ गुजार लोगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे भाग्यवंती तुझे तो मालूम है साहब जी टाइम के कितने पाबंद है, ये तो उनका बड़ा फन है कि उन्होंने अपनी गाड़ी दी दीपक स्टेशन से लाने के लिए। मैं इससे गब्बर जी में लग जाऊंगा तो देर नहीं हो जाएगी क्या? 2 मिनट उसके साथ बात करने को आप गब्बर जी कहते हैं? और फिर साहब जी को पता है दीपक 5 साल के बाद आया है, 2-4 मिनट इधर उधर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उनके भी बीवी बच्चे हैं, मैंने देखी है उनके हालत जब वो अमेरिका से आते हैं, कितने खुश होते हैं, सब काम छोड़ देते हैं। और एक आप है कि अब तुझे कौन समझाए कि मुझे देर हो रही है ड्यूटी पर। दीपक अपनी माँ को बुला ले भाई, ताकि मेरा पिंड छूटे। माँ अरे इनकी ड्यूटी के आगे ना सुख है ना दुख, इससे अच्छा तो मिलिट्री में भर्ती हो जाती, ड्यूटी भी हो जाती और देश की सेवा भी हो जाती, और ऊपर से फौजी कहलाते हैं। तो अब कौन सा काम हूँ? ड्राइवर हूँ साहब जी का, ड्राइवर है। जैकी साहब जानता हूँ आप माल रोकड़ा देंगे। वैसे भी शाह साहब हमने तो आजकल बोर्ड लगा रखा है, आज नकद कल उधार, क्योंकि साहब सीलिंग में है ना, और आप जानते हैं ना सीलिंग के अंदर नई फिल्म साइन करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी शाह साहब देखिए मैं आपको एडजस्ट कर रहा हूँ, बाई गॉड। अब क्या आप क्या है कि आप मुझे एडजस्ट कर लीजिए। वेरी सिंपल, इस हाथ दे इस हाथ ले। समझे कि नहीं? समझ गए ना? अरे वाह शाह साहब, वाह शाह साहब, आप तो बाई गॉड बहुत ही समझदार आदमी है। अच्छा अच्छा थैंक यू। अरे वाह वाह, ऐसे 2-4 और समझदार प्रोड्यूसर मिल जाए तो मैं इस बंगले के सामने ही एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। किसका बंगला बना रहे हो? मेरा, हमारा, आपका बंगला, वो मड आइलैंड वाला बंगला है ना जी, वो तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब तुम अपने मतलब के लिए मेरा हाथ काट सकते हो, मुझे कुएं में ढकेल सकते हो। यस सर, बाय गॉड। थैंक यू वेरी मच।
नहीं नहीं मेरा मतलब है कि वो मड आइलैंड वाला बंगला है ना, उसके सामने वाला बंगला जो है, उसके सामने वाले बंगले के अंदर उसमें बिल्ली जब दूध पीती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और समझती है कि उसे किसी ने नहीं देखा। उसी तरह तुम भी ये समझते हो ना कि मैं भी कुछ नहीं जानता। मैंने ऐसा कब कहा सर कि आप नहीं जानते? दरअसल मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें कितने साल हुए मेरे साथ? आपके साथ बहुत साल हो गए सर। और अब तक सुधरे नहीं? सुधर जाऊंगा, वैसे मैं सुधर भी गया हूँ। दरअसल बात यह है कि बात कुछ और थी, बन गई कुछ और। घबरा मैं इसलिए गया था कि प्रोड्यूसर के फोन पे फोन। तो कह देते कि जो टाइम हमने दिया उस टाइम पर हम पहुंच जाएंगे। मैंने कह दिया था, बाई गॉड कह दिया था कि आप टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये प्रोड्यूसर साहब बड़ी बेसब्री होती है ना, फिर भी मैंने कह दिया था कि आप तैयार हैं, और आप तो तैयार हैं ही। ये तो काका भी नहीं आए, बगैर काका के आप कहीं जाएंगे नहीं। राम जी, तुम्हें मालूम है ना काका कहाँ? जी जानता हूँ, वो अपने बेटे दीपक को लेने स्टेशन गए हैं। आते होंगे, वैसे टाइम के बड़े परफेक्ट हैं। जैसे बारह की सुई यूं होगी वो आ जाएंगे। वो आ गए, काका आ गए, आ गए। अब तुम भी बारह की सुई की तरह एकदम सीधे हो जाओ, वरना शूटिंग में लेट हो जाएंगे। सेक्रेटरी। रामू जी, सारा सामान रख दिया? जी क्या कर रहा है? हाँ जी नहीं बोल सकता? हाँ जी। हाँ ये ठीक है भाई, तुम लोग नमस्ते साहब। आइए। नमस्ते साहब। दीपक ले आए? हाँ जी। सब ठीक तो है ना? वो तो हो गए साहब जी। मतलब दीपक से मिले नहीं? मिला तो साहब जी। मिले तो पूछा नहीं कि कैसा है, क्या हालचाल है? अब हालचाल पूछने लग जाता तो देर हो जाती ना, ऊपर से सिग्नल पर सिग्नल। मेरा ध्यान तो आपकी तरफ लगा हुआ था, कहीं शूटिंग में देर ना हो जाए। कमाल के आदमी आप, इतने दोनों बार दीपक आए और ये भी नहीं पूछा कि कैसा है क्या हो रहा है। पूछ लेंगे ना साहब जी फुर्सत में बैठकर। आप चलिए, शूटिंग में देर हो रही है। जो हुक्म सरकार, चलिए। माँ, ये साड़ी तेरे लिए और ये शॉल पापू के लिए। अरे तू वहाँ पढ़ने गया था या कमाने गया था? इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ, पापू जो हर महीने पैसे भेजते थे उसमें से बचाकर मैंने ये चीजें खरीदी हैं। अरे मैं तो सच के जाऊँ तुझ पे, कितना समझदार हो गया है तू। बस अब तू जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बन जा और मेरे लिए चांद सी बहू ले आ। माँ, तेरी चांद सी बहू इस वक्त किस बदली में छुपी होगी?
जेनी में देखा। हेलो बेटी। अच्छा ज्योति, फिर मिलेंगे, बाय। अरे ज्योति, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रही है? पता नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा देख, बताना जरूर, ताकि हम भी उसी कॉलेज में एडमिशन लें। ज्योति, तूने मेरा फोन नंबर तो ले लिया है ना? हाँ हाँ। किसे ढूंढ रही है? मेरी माँ को। पता नहीं उसे मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? अरे यार, अब तो बच्ची तो नहीं, अकेली घर नहीं जा सकती क्या? बस करो ये बक बक। ज्योति, ज्योति ये तेरा बैग है ना? थैंक्स। बाय। चल तुझे टैक्सी या रिक्शा दिलवा देते हैं। ज्योति, ज्योति मॉम, ज्योति मॉम, क्या? अच्छा माँ, इतनी देर से क्यों आई? अरे क्या करूं बेटा, इतना ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। अच्छा तू ये बता, तेरा सफर कैसे रहा? वहाँ बहुत ठंड तो नहीं थी ना? तेरे एग्जाम्स कैसे हुए? तू कैसी है? अरे बाप रे, एक ही सांस में इतने सवाल। सब सवालों का जवाब अभी दे दूंगी तो घर जाकर क्या बातें करेंगे? पूरी डिटेल में बताऊंगी यार। ओके। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आखिरी सवाल का जवाब कि मैं कैसी हूँ, खुद ही देख लो। देखूंगा। शरीफ कहीं की? शरीफ कहीं की नहीं मम्मी, यही की। अब तेरे मुंह कौन लगे? चल देख, तुझे लेने कौन आया है, देख। ओ नो, उल्लू। हाँ गुल्लू, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। मम्मी, इस उल्लू के पट्टी को क्यों लेकर आई? बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था, गोरी गोरी खूबसूरत। She's beautiful, she's beautiful। बेचारा गाड़ी लेकर आ गया, तू मना भी नहीं कर सकती थी। चलना चलना। अरे गुलू, लगा तो नहीं ना? ओह नो आंटी, आई एम फाइन। 375 रुपए का बुके बर्बाद हो गया। आए आए सेठ, हमें दे दो ना, दे दो ना, हमें दे दो। आंटी, देखो ज्योति कैसे उस बुड्ढे को गले मिल रही है और मुझे नहीं मिली। मैं तो 375 रुपए का बुके भी लाया उसके लिए। आओ। ये क्या मामी, सारे घर को टेलरिंग शॉप बना दिया है? एक ड्रेस डिजाइनर का घर टेलरिंग शॉप नहीं होगा तो और क्या होगा? फिर भी जहाँ भी देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े। अब तू आ गई है ना, सब ठीक कर देगी। अच्छा बोल, क्या पिएगी? कुछ ठंडा। ओके। डॉली, कम यू बेबी। देखो चाचा, डॉली मुझे नहीं भूली। मैं भी तो तुम्हें नहीं भूला ज्योति। कुत्ते और गधे में फर्क होता है। हाँ। बेटा, आज तुम नई जिंदगी के मैदान में कदम रख रहे हो। दुनिया के रास्ते बड़े कठिन होते हैं, लेकिन तुम निराश ना होना, हिम्मत ना हारना। कोशिशों के पेड़ों पर ही कामयाबी के फल लगते हैं। भगवान तुम्हें कामयाब करेगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक रुक, ये परोठे हैं, दोपहर को खा लेना, ये ले। लेकिन माँ, मैं तो बड़े बड़े दफ्तरों में जाऊंगा तो इसे। अरे रख ले, होटल का खाना तेरी सेहत खराब कर देगा, और वक्त पे खाना। अच्छा माँ। अच्छा कहाँ कहाँ जाएगा तू? ये देख माँ, इतने सारे एड्रेस हैं। इतनी सारी जगह जाएगा? जाना तो पड़ेगा ना माँ। हाँ जाना तो पड़ेगा, मगर तू छाव छाव में जाना है,
दोपहर की धूप बहुत तेज होती है। माँ, जिंदगी की धूप में तेरा आशीर्वाद ही मिलने छाव है, तो मुझे फिक्र का है कि बस आज शाम तक कहीं ना कहीं नौकरी पक्की करके ही लौटूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा माँ, चलता हूँ। थैंक यू अंकल। ऑटोग्राफ प्लीज अंकल। क्या नाम? किशोर कुमार। शॉट रेडी सर। किशोर कुमार। थैंक यू अंकल। ऑटोग्राफ प्लीज। क्या सीन? क्या? हाँ जी, ये पढ़ लीजिए। क्या नाम? राधा। राधा। इससे पहले क्या? इससे पहले वो सीन गया जी के हीरोइन को उसका बाप ले गया, उसने गुंडे भेजे आपकी पिटाई के लिए, उन लोगों की आपने धुलाई कर दी, उसके बाद का सीन। थैंक यू अंकल। अच्छा, कंटिन्यू सब ठीक है ना? कपड़े तो ठीक है जी, लेकिन गले में एक सोने की चेन थी, वो आप घर ले गए थे जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? राकेश। राकेश, वो चेन मंगवा लीजिए। चेन मंगवा देना। काका, काका। जी साहब जी। काका, वो सोने की चेन ग्लव कंपार्टमेंट में। बोला बे, अभी लाया। क्या हुआ? क्या? काका, 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 आप शूटिंग कीजिए, मैं इनको डॉक्टर के पास ले जाऊं। शट अप, शूटिंग बैकअप करो, जो भी प्रोड्यूसर का खर्चा है वो मैं दे दूंगा। काका को मैं ले जाऊंगा, जाओ जाकर गाड़ी ले। सॉरी, हाथ दे बैठो। क्या हुआ रामू? अरे बिठवा, तनु बात है। लेकिन आप लोग कैसे? वो आज काका को शूटिंग में करंट लग गया था, लेकिन अब सब ठीक ठाक है, घबराने की कनु बात नहीं। माँ, बापू कैसे हैं? भगवान ने हम पर बहुत दया की है, वरना तेरे बापू। पर ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। काकी, काकी, ये साहब जी ने भेजे। ये क्या है? वो काका के जूते के तले में सुराख था ना, इसलिए उन्हें करंट लग गया। भाई गॉड, इसीलिए साहब ने नए जूते भेजे हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी, दीपक आया क्या? हाँ, आ गए हैं। पापू, अरे पगला कहीं का, क्या औरतों की तरह रो रहा है बेटा? जिंदगी ने ऐसे ऐसे कई झटके दिए हैं, अब इस मामूली से करंट से कुछ नहीं होगा। पापू, अब आप काम नहीं करेंगे, मैं करूंगा काम और आप आराम करेंगे बस। हाँ बेटा, नहीं करूंगा, जब कभी ऐसा वक्त आएगा तो तुझे ही संभालना होगा। लेकिन दीपक, जब तक मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता, साहब जी की गाड़ी कौन चलाएगा? कोई भी चलाएगा। नहीं बेटा, साहब जी के मामले में कोई भी से काम नहीं चलेगा। तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, जब तक मैं अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाता, साहब जी की गाड़ी तुम चलाओगे। मैं?
क्यों, क्या हर्ज है बेटा? लेकिन बापू, मैं एक आर्किटेक्ट हूं और ड्राइवर। क्यों, इज्जत नहीं घट जाएगी तुम्हारी? ये जो आज तुम्हें डिग्री मिली है, तुम अपने आप को आर्किटेक्ट कहलाने के काबिल बने हो? बेटी, ये सब साहब जी की मेहरबानी से तो है, वरना मुझ जैसा अदना सा ड्राइवर तुम्हें ख्वाब में भी आर्किटेक्ट नहीं बना सकता था। बापू, मैं उनका बड़ा एहसान मंद हूं। हूं, और रहने का फर्क जानो दीपक, तुम्हें जिंदगी भर साहब जी का एहसान मंद रहना है, और आज भगवान ने उनके एहसान चुकाने का एक छोटा सा मौका तुम्हें दिया है, तो इसे चुको मत। लेकिन बापू, इतनी पढ़ाई हासिल करने के बाद बापू लोग क्या कहेंगे? लोगों के कहने का तुम्हें डर है? अरे काम कर रहे हो, कोई भीख नहीं मांग रहे हो तुम? बापू, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? माँ, दीपक ठीक ही तो कह रहा है, अब जरा सोचो तो। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें भी समझाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मेरी जगह तुम्हें साहब जी की गाली चलानी है। अच्छी तरह समझ लो तुम, वरना जो तुम्हारे मन में आए वो करो, लेकिन इस घर में रहकर नहीं। आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं समझाऊंगी उसे। लक्ष्मी, तुम जानती हो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। वो ना नहीं कहेगा, हमारा खून है, वो मान जाएगा। आप थोड़ा शांत हो जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वो काका तो कुछ दिनों तक आएंगे नहीं, इसलिए मैं ड्राइवरों का सिलेक्शन करके लाया हूँ। एक से एक बढ़िया चुना है मैंने। ये है राम प्रसाद यादव, मिलिट्री का रिटायर्ड, हट्टा कट्टा मजबूत, 20 साल का एक्सपीरियंस है। कभी सिग्नल वगैरह पे भीड़ भाड़ ने घेर लिया तो दो हाथ इधर दो हाथ उधर और पब्लिक साफ। ये मिलिट्री का है ना। ये है गुलजार, बिल्कुल अपने नाम की तरह है, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रहता है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, बंबई की गली गली को जानता है, पहचानता है। आपको ये एड्रेस बताइए, आपको पूरे मोहल्ले की हिस्ट्री लाकर दे देगा। हुक्म कीजिए, आप लोग जा सकते हैं। माय गॉड, ये मिलिट्री का ड्राइवर तुम इसलिए रख रहे थे कि ड्राइवरी के साथ साथ वो हमारा बॉडीगार्ड भी बने और पब्लिक को हमसे दूर रखे। बिल्कुल राइट सर। रॉन्ग। एक बात याद रखना, पब्लिक की मोहब्बत ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, और हम उनकी मोहब्बत का सिला अपने ड्राइवर से पिटवा कर देंगे। नहीं सर, नहीं। और वो गुलजार चीज क्या थी? वो तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा मुस्कुराता। तो तुम्हें यहाँ कौन सी रोती सूरत नजर आई? कोई नहीं सर, बाई गॉड कोई नहीं। और वैसे भी बॉम्बे शहर की गलियों की हिस्ट्री मुझसे ज्यादा और कौन जानता? कोई नहीं सर, आप तो बम्बई। तो फिर आज के बाद हमारी पर्सनल लाइफ का फैसला करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। पर्सनल लाइफ नहीं सर, मैं तो ड्राइवर के लिए। वो ड्राइवर भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, और जब तक काका ठीक नहीं हो जाते, गाड़ी तुम चलाओगे। जी मैं? जी हाँ तुम। तुम? जी मैं दीपक। जब तक बापू ठीक नहीं हो जाते, मैं आपकी कार ड्राइव करूंगा। काका ने तुम्हें हुक्म दिया या रिक्वेस्ट की है? जी नहीं, जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। एक पढ़े लिखे आर्किटेक्ट को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की काका को क्या जरूरत है? साहिब जी, आप तो बापू को जानते हैं, वो अपने जिंदगी के जज्बात में किसी के हिस्सेदारी पसंद नहीं करते, और फिर उनके तमाम जज्बात आप तक ही सिमट कर रह गए हैं। काका की इसी स्टाइल ने तो मुझे उनका फैन बना दिया है। ये चाबिला तुम्हारा काम नहीं है। नहीं सर, अगर कुछ दिनों के लिए आप मुझे खिदमत करने का मौका देंगे तो मुझे और बापू को बहुत खुशी होगी, और अपने बापू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। माँ बाप की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें। सर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप मुझे ना नहीं कह सकते। आपका साथ और आपकी राजदारी मेरे सीने में ही रहेगी, मेरे साथ ही जाएगी। काका ने तुम्हें काफी तैयार करके भेजा। सर मैं आपका इंतजार पहुंच में करूंगा। ओके सर जी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगा। राम तुम पीछे बैठो। मैं पीछे। लक्ष्मी, साहब जी गए? हाँ गए। दीपक ने कार का दरवाजा खोला था? हाँ, मगर साहब जी दीपक की बराबर वाली जगह पे बैठ गए। अच्छा, जानते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा लड़का जब अपने बापू के कहने पर ड्राइवर की नौकरी कर रहा है तो उसे कितनी इज्जत देनी चाहिए।
इन्हीं सब बातों की वजह से तो मैं साहब जी का गुलाम हूँ। भगवान करे दीपक अपने इस नए इम्तिहान में कामयाब हो। कामयाब तो तुम फर्स्ट डिविजन में हो गए, कंग्रेचुलेशंस। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मगर मेरे सारे जोश को काका के एक्सीडेंट ने ठंडा कर दिया, वरना तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी सोची थी। भाईगढ़ साहब ने तो ऐसे ऐसे प्लान बनाए थे, ऐसे ऐसे प्लान बनाए थे कि मैं वो शायद मैंने आपसे इस प्लान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी। जी तो फिर हाँ, मैं हाँ मत मिलाइए प्लीज। जी बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा। थैंक यू ब्रह्म। वैसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर पहले तो कोई सर्विस मिल जाए तो ठीक है, दो चार पैसे जेब में होना जरूरी है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने की कोशिश करूंगा, फिर बॉम्बे के बाहर भी हाथ पांव मारने का इरादा है। तुम गाड़ी काफी तेज चलाते हो। जी एक बात याद रखना, तेज चला लो मगर अपने गियर कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देना। कहते हैं कि जोश के साथ साथ होश होना बहुत जरूरी होता है। जी मुझे लगता है वक्त आ गया है तो मैं सेटल होने का, मेरा मतलब है एक अच्छी सी गुड़िया लाने का। गुड़िया? मेरा मतलब है काका और काकी के लिए एक प्यारी सी बहू। बहू? वो कहाँ होगी कुछ पता नहीं। मामी एक बात बताओ। हाँ बेटे। तुम कहीं मुझे हीरोइन बनाने जा रही हो? तुम्हें सीधा बता देती हूँ, I hate acting, मुझे बिल्कुल शौक नहीं। यहाँ भी बेटी की कमाई खाने का कोई शौक नहीं। चल तो फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में। किसकी पार्टी? छोगा माल, अभी हांगकांग का माल जो तुमको दिया ना वो एकदम प्योर था। एकदम प्योर। हाथी माल, अभी बैंकॉक और सिंगापुर का कस्टम एकदम कड़क हो गया है। बेटा तुमको तो मालूम है ना, अभी 1.5 करोड़ का कपड़ा हुआ है ना, वो तो हमने भाई को फोन किया है, 2 दिन में मामला ठीक हो जाएगा। वो तो ऐसा है ना कि ग्राहक को टाइम पर पीला माल मिल जाता है तो लालचंद की इज्जत रह जाती है। लालू, लालू क्या है डार्लिंग? ज्योति आई है। अरे बड़ी ज्योति को लेके हम क्या करेगा? ओहो शालिनी की बेटी ज्योति हमारी बहू। ओहो ऐसा बोलो नहीं, हम तो समझा के कोई दूसरी ज्योति होगा। छोगामल आके हांगकांग की बात करता है, आसान जी गल बाकी है। साला विस्की का ग्लास भर के घड़ी घड़ी तुम सबके सामने क्यों जाता है? सर ये तो हमारी ड्यूटी है। मालिक का नुकसान हो ऐसा तुम्हारा ड्यूटी है? अरे तुम सामने जाता है ना तो नहीं पीने वाले भी पीना शुरू कर देता है। अभी ज्यादा पिएगा तो लुढ़क जाएगा ना, लुढ़क जाएगा तो उसको घर को छोड़ने जाना पड़ेगा, उसमें हमारा पेट्रोल का खर्चा होगा ना। हा? तो ऐसा करो तुम विस्की के ग्लास भर के अंधेरे में खड़े रहो, वैसे भी तुम काला है किसी को नजर नहीं आएगा, जिसको मांगता है वो तुमको अंधेरे में ढूंढेगा। चुप जोक बन। हमारी बीवी को जोक पसंद नहीं है, एक बार जोक करने दिया था ना तो हमारा बेटा गुल्लू पैदा हुआ था। चलो लालिया हंसता है। नमस्ते लालू भाई। नमस्ते, ये कौन है? पहचाना नहीं आपने? मेरी बेटी ज्योति। नमस्ते ज्योति, इतनी बड़ी हो गई? अरे वाह, तुम्हारे ड्रेस का मटेरियल अच्छा है, हांगकांग में बहुत बिकेगा। नहीं गुल्लू, गुल्लू कहाँ है? गुल्लू, गुल्लू ज्योति वो सामने मेरी डार्लिंग खड़ी है, वो सिल्वर ड्रेस में, शी ब्यूटीफुल, उसी के लिए तो मैंने आज रात ये पार्टी रखी है। हाय डार्लिंग। अबे ये दूर दूर से क्या चुम्मा ले रहा है? सामने तेरी लला खड़ी है, उसको जाके चूम। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ज्योति अब तो मैं तुम्हारा मजनू बन गया हूँ। शक्ल देखी आईने में? ज्योति मजाक नहीं, मैं तुम्हारा रांझा हूँ। मुंह धो के आओ फिनाइल से। ज्योति मजाक नहीं, देखो तुम मेरी होने वाली मंगेतर हो, चलो मेरे दोस्तों से बात करो। ज्योति मेरा ये बंगला, मेरी सब गाड़ियाँ तुम्हारी तो हैं, शादी के बाद हम दोनों ऐश करेंगे। लव यू। तुम जैसे शराबी की मंगेतर होगी मेरी ज्योति। देखो डार्लिंग। ज्योति तू इस तरह वहाँ से क्यों चली आई? क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। पता है तेरी इस हरकत से गुल्लू और उसकी फैमिली की कितनी बेइज्जती हुई? बेइज्जती उसकी होती है मामी जिसकी कोई इज्जत हो। ज्योति और आप उन दिखावे के दौलतमंदों को इज्जतदार कहती हैं,
जिनकी नजरें गैर औरतों की तरफ एक भूखे भेड़िए की तरह उठती हैं, उम्र में चाहे वो उनकी बहन हो या माँ। ज्योति, मम्मी, मैं कोई बिकाऊ गुड़िया या शोकेस में रखी मूरत नहीं हूँ जिसको आप सजाकर बाजार में ले जाओ ताकि उसका अच्छा दाम मिल सके। ज्योति, अब तो मेरी जात पे भी कीचड़ उछाल रही है। मम्मी, इससे पहले कि आप पर कोई कीचड़ उछाले, आप अपना दामन बचा लीजिए। तेरी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। सच्चाई कहने वाले की जबान लंबी नहीं होती है मम्मी, तेज होती है, क्योंकि इसकी हकीकत दिल पर तीर की तरह चुभ जाती है। सच्चाई और हकीकत पे लेक्चर देने से पहले अपनी औकात तो देख। औकात इंसान खुद बनाता है मम्मी, और अगर आपकी नजर में औकात दौलत से बनाई जाती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी औकात। क्या फर्क पड़ेगा, आज हम लोग कॉटेज में रह रहे, कल किसी चौल में जाकर रह लेंगे, लेकिन वहाँ तो आपकी सोसाइटी के इज्जतदार लोग जलील नजरों से देखने की ताकत तो नहीं रख सकते। आखिर तू कहना क्या चाहती है? बस यही कि आज के बाद मुझे गुल्लू के घर ले जाने की कोशिश न करना। क्यों न ले जाऊं? गुल्लू मेरी सहेली का बेटा है, वो लोग आए दिन मेरी मदद करते हैं। आपकी मदद करते हैं तो आप उनके नखरे उठाइए, मैं क्यों? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तू गुल्लू को पसंद करे। गुल्लू को? मम्मी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो मैंने भी तेरी जिंदगी के बारे में सोच समझ कर ही फैसला किया है। गुल्लू उनका इकलौता बेटा है, इतनी दौलत है उनके पास कि तू सारी जिंदगी ऐश कर सकती है। अगर ऐसी दौलत से जिंदगी गुजारने का नाम ऐश है तो नहीं चाहिए मुझे ऐश। और अगर आप मुझे ऐसी ही ऐश देना चाहती है तो फिर मुझे किसी कोठे पर क्यों नहीं बिठा देती? ज्योति, मैं तुझे छोड़नी। ये क्या कर रही हो तुम? देखा चाचा, ये मिल रहा है मेरी जिंदगी भर की मेहनत का फल। आपने तो देखा है ना, मैंने क्या क्या जतन नहीं किए इसके लिए, और ये है कि इसके पिता के बाद मैंने इसे ही अपनी जिंदगी का सहारा समझा, अपने सीने से लगा कि जिंदगी काट दी, अपनी जवानी काट दी इसके लिए, और ये ना दिन रात एक कर दिया इसके लिए, बस इसी के लिए कि इसकी जिंदगी संवर जाए, और ये है कि मुझे कुछ। मामी, अगर आप मेरी जिंदगी संवारने के लिए फिक्रमंद है तो आज की बात छोड़ दीजिए मेरी फिक्र, मैं खुद अपनी जिंदगी क्या कर लेगी, क्या कर लेगी बताना। मैं अपने लिए गुल्लू से भी ज्यादा खूबसूरत और अमीर लड़का ढूंढ लूंगी जो सही मानों में इज्जतदार और शरीफ भी होगा। सपनों की दुनिया और हकीकत की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे अभी तो आँख खोली है तूने, और बाहर की दुनिया में कोई अमीर लड़का तुझे पूछेगा तक नहीं, क्योंकि दौलत नहीं है ना तेरे पास। बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, जो सुनहरे सपने तुम देख रही हो उसकी ताबीर बहुत भयानक है। अभी तुम जवान हो इसलिए धुएं को भी अपनी मुट्ठी में जकड़ना चाहती हो, लेकिन जब मुट्ठियां खोलोगी तो धुआं उड़ चुका होगा और हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है बेटी, और ये ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात करना तुम जैसी शरीफ लड़कियों का शेवा नहीं है। चलो चलो, माफी मांगो अपनी माँ से, माफी मांगो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं मम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चाचा, मैं भी कोशिश करके देखूंगी, अगर कामयाब ना हो सकी तो मम्मी जहाँ चाहेंगी वहां शादी करूंगी। देखो शालिनी, अब तो इस बच्ची की नादान ख्वाहिश को तुम्हें मान लेना चाहिए। ठीक है, तो ढूंढ ले अपने दौलतमंद शरीफ को। काका, दौलत आज नहीं तो कल आ जाएगी। आपने जो बीज बोया था उस पेड़ पर अब फल लगने का वक्त आ गया, बस उस पेड़ की छाया में ऐश करो और क्या। ऐश तो आपके साथ रह के करते हैं साहब जी, वैसे भी अब कोई तमन्ना नहीं रही, बस इज्जत से इस दुनिया से चले जाए वही काफी। अरे काका, आने जाने की बात तो बुजदल करते, अब जीने की बात करो। वैसे तबीयत कैसी है काका? ठीक है साहब जी, बस थोड़ी सी कमजोरी है और कुछ नहीं। वो तो होगी ही, वो तो आप ही थे जो इतने बड़े जबरदस्त झटके को बर्दाश्त कर गए, अगर मुझे जैसा होता तो। अरे साहब जी, झटका कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो साहब जी, अगर पता हो ना कि झटके के बाद कोई संभालने वाला है तो झटका बेकार हो जाता है। मैं तो आपकी वजह से बच गया साहब जी, वरना तो मेरा राम नाम सत्य हो गया था। लीजिए साहब जी, चाय लीजिए। थैंक्स, सब ठीक तो है जी? किसी चीज की जी नहीं साहब जी, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अर्ज नहीं, हुक्म कीजिएगा कि मेरा दीपक बच्चा है, नादान है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। अगर आपकी नजर उस पर रही तो एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे वो तो बनेगा ही, बहुत मेहनती और समझदार लड़का है, अब तो मुझे भ्रम की भी जरूरत नहीं पड़ती, थैंक गॉड। सर, आपकी कार तैयार है। कहाँ जाना है? फिल्म सिटी, वो लॉरेंस डिसूजा की शूटिंग है। अच्छा, लेकिन सर शूटिंग से पहले आपने वो लेडी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू का टाइम दिया था। चलो मैं
क्या कहा था? चलती फिर डायरी है मेरी, इसके बिना चलता नहीं। काका चलता। अच्छा अच्छा जी, किसी चीज की जरूरत हो बुला लीजिए। ओके अपनी जिंदगी की इश्क की डायरी के पन्ने पलट कर बताइए कि डायरी पन्ने, जिसने जिंदगी में इश्क की बात किया हो उसे डायरी रखने की क्या जरूरत। लेकिन लोग तो कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। अगर खुलकर बिंदास किसी से बात करो तो उसे इश्क या अफेयर का नाम दिया जाता है, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो पहले से ऐसे ही था, स्टाइल मेरा चेंज हुआ नहीं और ना होने वाला। जैकी साहब, स्टाइल से आपका क्या मतलब? मतलब ये कि जब अपने पास पैसा नहीं था, एकदम कड़का था, तब भी अपना यही स्टाइल था, आज भी यही स्टाइल है। तब भी कॉन्फिडेंस से बात करता था, आज भी कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ। और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियां लड़कों की जेब में कितने पैसे ये नहीं देखती, वो उसका दिल देखती है। वो देखती है कि लड़का कैसा है, स्वभाव कैसा है, स्मार्ट, क्लीन, थिंग्स, नॉट मनी, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इसका मतलब आपका नेचर फ्रैंक रहा है। हर इंसान को फ्रैंक रहना चाहिए। आज बुरा लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कल जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो बहुत बुरी बात है। और फिर मैं किसी के लिए अपना स्टाइल, अपनी स्टाइल कैसे चेंज कर सकता हूँ? सर शॉर्ट रेडी है और कुछ? थैंक यू, चल चलो। मास्टर जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाय। कभी भूला कभी याद कर।
दिया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। अपने पास पैसा नहीं था, एकदम कड़का था, तब भी अपना यही स्टाइल था, आज भी यही स्टाइल है, तभी कॉन्फिडेंस से बात करता था, आज भी कॉन्फिडेंस से बात करता हूं। और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियां लड़कों की जेब में कितने पैसे हैं ये नहीं देखती, वो उसका दिल देखती है। लगता था हीरो जैसा है, आहिस्ता बोल, देख क्या एक्टिंग की पोज में खड़ा है। बेचारा हीरो बनने आया होगा, धक्के खाते खाते ड्राइवर बन गया। नमस्ते। नमस्ते, फरमाइए। फरमाना क्या, तुम्हारे माथे की लकीरें बतला रही हैं कि तुम्हारी तरक्की निश्चित है, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। हाथ लाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या रेखाएं हैं, हर चीज साफ साफ है, पैसा यूं आएगा जैसे झरने से पानी बह रहा हो। कभी पंडित जी कभी। अरे धीरज रखो बच्चा, धीरज रखो, धीरज ही तुम्हें तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएगा। और फिर संपत्ति ही संपत्ति। संपत्ति जी, कहीं आप दो नंबर के धंधे के बारे में तो बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं बेटे, तुम दो तीन नंबर वाले बिल्कुल नहीं हो, तुम तो इंतहाई शरीफ लड़के हो, सिर्फ वक्त के जाल में फंसे हुए हो, और इस जाल से तुम्हें एक दिन एक बालिका निकालेगी। बालिका? हाँ लड़की, और वो लड़की तुम्हें उस जगह मिलेगी जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग जाते हैं। बड़े लोग? तो फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? अरे अरे तुम बिल्कुल जा सकते हो, और उस लड़की से संपर्क बनाए रखना, उसके संपर्क से तुम्हारी दुर्दशा भाग जाएगी, और फिर तुम उससे विवाह कर लेना, फिर तरक्की ही तरक्की। उस वक्त राजा बेटा, दीपक मुझे मत भुलाना। दीपक साहब का पैक कब हो गया, जल्दी चलो। अरे ब्रह्म। हाँ हाँ नमस्कार पंडित जी, अभी जरा मैं जल्दी में हूँ, साहब को एयरपोर्ट छोड़ना है, आपसे बहुत सी बातें पूछनी है, एक दो दिन में मिलता हूँ मैं। लेकिन वो हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो क्या जाएगा। आंटी हाँ, आप ये ड्रेस किसी खास पार्टी के लिए बना रही हैं? Of course. You know, Centaur Hotel में
नेवी बॉल का पार्टी है और उधर तो एक से एक हैंडसम से हैंडसम अच्छे से अच्छे लड़के लोग आते हैं एंड यू नो उधर सब लोग उन लोग के लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने को आते हैं और मैं भी हर साल उधर जाती हूँ अभी तो मेरे को भरोसा है कि मेरा खुदाई जी मेरा यह फतेला तकदीर को जरूर सी के देगा है ना है ना सी देगा ना सी देगा ना सी देगा चाचा सिला दो ना आंटी वहाँ जाने के लिए कोई पास वास तो होगा ना ऑफ कोर्स डार्लिंग ले मेरे पास नहीं हो ये इनविटेशन देखो इसका तो मैं 2000 रुपये आपके आज 2000 रुपीस 2000 उधर तो एक से हैंडसम अच्छे से अच्छे लड़के लोग आते हैं एंड यू नो उधर सब लोग उन लोग का लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने को आता है सुनो चाचा और क्या करना है बेटे लंबाई ले लो लंबाई अच्छा आंटी आप घूम जाइए ओके डार्लिंग राम जी ये लीजिए चलो कहाँ जाओगे घर जाऊंगा अरे बैठो यार मेल वेल देखते हैं भाई का और तुम भी कमाल की चीज हो ये जवानी ये उम्र और एकदम ठंडे ठंडे क्या है ब्रह्म जी ये काम तो अपनी पसंद का है नहीं यहाँ तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना है अरे भैया जिस हाल में रहो खुश रहो खुशी तो अपने मनपसंद काम से होती है अब अपनी किस्मत में ड्राइवरी लिखी है तो वही कर रहा हूँ हाँ वो किस्मत से याद आया वो पंडित जो तुम्हें मिला था उसने क्या कहा था सपनों की बातें कर रहा था जिनका हकीकत की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं 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 वो पंडित तो कमाल की चीज है यार बाय गॉड जो कुछ उसने मेरे बारे में बताया था ना 100% करेक्ट निकला और फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो मुहूर्त से लेकर रिलीज तक उससे पूछ के करते हैं क्या क्या कहा था उसने उसने कहा कि एक लड़की ऐसी जगह मिलेगी जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं वो मेरी जिंदगी बदल देगी उसके बाद तरक्की ही तरक्की अरे तो भाई गॉड पकड़ लो कोई लड़की और कर लो तरक्की लेकिन ऐसी लड़की तो किसी बड़ी जगह में मिलेगी हाँ। और मैं ऐसी बड़ी जगह में कैसे जा सकता हूँ कैसे जा सकता अरे भाई गॉड निकल पड़ी दीपक तुम्हारी तो निकल पड़ी ये देखो नेवी चैरिटी बाल का प्रोग्राम जाओ जाओ लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाई गॉड अब तो गॉड भी यही चाहता है तभी तो कार्ड यहाँ और साहब आउटडोर में भाई गॉड यार तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं हवा से बातें कर रहा हूँ क्या फायदा ब्रह्म जी अपने पास तो ऐसी जगह जाने के लिए कपड़े भी नहीं है कपड़े भाई गॉड कपड़े भी कोई प्रॉब्लम है चलो मेरे साथ आ जाओ आओ आना यार ये राम लखन के ये हीरो के ये परिंदा के बाय गॉड पसंद कर लो कोई भी शानदार सूट मैं ये सब तो सरजी के सूट हैं तो क्या हुआ नहीं मुझसे नहीं होगा बाय गॉड तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी का मर्डर होते हुए देख लिया राम जी मैं अरे बेटा घबराने से काम नहीं चलेगा ये जो कपड़े हैं ना ये सब शूटिंग के कपड़े हैं उनके अरे ये शहनशाह की अलमारी है शहनशाह की और अपने साहब जी किसी शहनशाह से कम है क्या एक बार जो कपड़ा पहन लिया उतार दिया उनको क्या कपड़े याद रहते हैं लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं अब ये देखो साहब जी के कपड़े हैं जरा सा अल्टर करवाया और फिर आज तक साहब जी को मालूम पड़ा बिल्कुल नहीं अरे बाय गॉड मैं तो सारा दिन साहब जी के आगे पीछे तितली की तरह घूमता रहता हूँ उनको कुछ मालूम पड़ा तुम घबराओ मत ये लो ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता जाओ ब्रह्म जी कपड़े मिल गए कार्ड मिल गया वेरी गुड लेकिन उसका क्या ओ हाँ उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा ये है साहब जी का क्रेडिट कार्ड किसी भी 5-स्टार होटल में दिखाना बिल साहब जी के अकाउंट में और साहब जी की इंपोर्टेड कार तो है ही तुम्हारे पास जाओ प्रिंस की तरह जाओ और किंग की तरह क्वीन लेके वापस आओ जाओ जाओ बेस्ट ऑफ लक जाओ अरे सुनो 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 अगर तुम्हारी किस्मत चमक जाए तो मुझे अपना पार्ट टाइम सेक्रेटरी रख लेना बाय गॉड दिन में साहब जी के साथ शाम को तुम्हारे साथ तुम्हारा सोना ही सोना मेरी चांदी ही चांदी
खूबसूरत है, हैंडसम है। कार कम से कम 5 लाख की होगी। कार तो शानदार है, अमीर भी होगा। मेरे सपनों की रानी ऐसी ही होनी चाहिए। ये तो गुल्लू से भी कहीं ज्यादा हैंडसम है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैडम आप अपनी कार निकाल लीजिए। हाँ निकाल दो। मैडम कार देखे बगैर हम किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। इसमें, अरे इसी में तो रखा था कार्ड। अरे 2000 का कार्ड मैंने इसी में रखा था। माफ कीजिए मैडम, आप अपना कार्ड एक तरफ खड़े होकर देखिए, उधर जाइए आप प्लीज। अरे तुम मेरे को नहीं पहचानता है, मैं पीलू वाजिया हूँ, पीलू वाजिया फिल्म स्टार। मैडम, अरे मेरे को तो सब लोग पहचानता है, हाय ना। हेलो हेलो, मैंने पहले भी आपको देखा है। हाँ देखा होगा। आप कौन है? मैं राजा रंजीत सिंह अब जयपुर के खानदान से हूँ। ये तो राजकुमारी है दीपक, संभल कर, अच्छा मौका है फिर नहीं मिलेगा। ओह वंडरफुल, फिर तो मैंने जरूर आपको किधर भी देखा ही होगा। मैडम आप हमें क्यों बार बार तंग कर रही हैं? अरे मुझे अंदर जाने दो, नहीं थैंक यू, नहीं तो मैं सारी उम्र कवारी रह जाऊंगी। अकेली है, इससे पहले कि कोई उसे मिले पहुंचा। हेलो हेलो, आई एम दीपक। आई एम ज्योति। ज्योति, क्या कोइंसिडेंस है, मेरा नाम दीपक और आपका नाम ज्योति। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी हाँ श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज सिट। थैंक्स। आप बंबई में ही रहती हैं? जी। कहाँ? दरअसल मैं बॉम्बे में अपनी सहेली की आती जाती रहती हूँ। मेरा परमानेंट एड्रेस तो जयपुर। आपको कैसे पता चला? अभी बाहर, आप ही तो कह रही थी कि आप महाराजा रंजीत सिंह ऑफ जयपुर के खानदान की हैं। हाँ, और आप? मैं तो बंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस इतना फैल चुका है कि मेरा एक पैर इंडिया में है और दूसरा लंदन, जापान और अमेरिका। दरअसल मेरा बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। जी, जी, जी। आप क्या तराजू में तोल तोल कर बातें करती हैं? क्यों? क्योंकि मैं ही बोले जा रहा हूँ और आप हैं कि आप सिर्फ जी जी किए जा रही हैं। वो क्या है कि ये हमारी पहली मुलाकात है ना, मेरी आदत है कि मैं खुलते खुलते खुलती हूँ। और मैं मिलते ही सच कहूं, आपको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपको पहले से ही जानता हूं, कुछ अपनापन। और मुझे भी आप गैर नहीं लगे। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए तकदीर से अब किसको क्या मिले, देखिए तकदीर से अब किसको क्या मिले, आंखों में जुस्तजू लिए बैठे हैं सामने। जी हाँ दोस्तों, नेवी चैरिटी बॉल की इस खूबसूरत महफिल को आज हम हिंदुस्तान के दो मशहूर और मारूफ कलाकारों से शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इन दोनों कलाकारों की दिलकश और पुरकशिश आवाज के सोज और जादू से जरूर मुतासिर होंगे। अपने दिलेजार पर हाथ रख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों ही कलाकार आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत युगल गीत पेश करेंगे। जी हाँ, ये हर दिल अजीज कलाकार हैं कुमार शानू और अलका याग्निक, और इस खूबसूरत गीत को जादुई संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड।
ये दुआ है मेरे रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। पसंद आए मेरी आशा।
पसंद आए। मेरी शायरी पसंद आए। चलती हूँ। आप इतनी जल्दी जा रही हैं? दरअसल लेट नाइट की परमिशन जरा कम मिलती है, पर आज मैं अकेली हूँ। और आप? आपके जाने के बाद तो मेरे लिए फंक्शन बेमजा हो जाएगा। और दरअसल रात को मेरे आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे कॉल आते हैं, क्योंकि यहाँ रात तो वहाँ दिन। इसलिए मैंने सोचा काम पहले आराम बाद में। क्या आप मुझसे दोस्ती रखना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, अगर आप चाहे तो। जी चाहने को तो मैं खैर कब मिलोगे? जब आपको फुर्सत मिले। तो आप अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए। जी 648-2467। 648-2467 दिल के कंप्यूटर में फिट कर दिया। जी और आपका? मेरा नंबर लेकर क्या फायदा, एक जगह होगा तो ही तो मिलूंगा। बेकार में आपकी उंगलियां डायल करते करते सूझ जाएंगी। मुझे तो खुद मालूम नहीं कि कल मैं कहाँ हूँगा, लेकिन आप कहाँ हैं मुझे पता है। है या नहीं? जी है। मिलते हैं, मिलते रहेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। बना के आंटी ये मेरी कार लेकर चली गई। क्या? हाँ? ज्योति ये क्या कह रहा है? मम्मी ये झूठ कहता है।
मैं कोई कारोबार लेकर नहीं गई, बल्कि उसने खुद अपनी कार एक पार्क के पास खड़ी की और कहा अभी आता हूँ। मैं समझी कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम लेने गया होगा, लेकिन ये जो गया सो गया। मैं एक घंटे तक वहाँ बैठी रही। और चाचा हा? आप तो जानते हैं अकेली लड़की एक कार में बैठी हुई, कितने लोग तिरछी आंखों से देखते रहे, यू यू, और गुंडे लोग पागल गुल्लू। लेकिन चाचा ये झूठ है आंटी। अभी ये झूठ कह रहा है, एक घंटे के बाद चली आई, आखिर क्या करती। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप गुल्लू को चाहती है ना, अगर मैं कहती तो आपको दुख होता। लेकिन आंटी ये बहुत गलत बात है गुल्लू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आंटी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। एक तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, दो मिनट पहले की बात दो मिनट की बात भूल जाते हो। देखो माँ, अभी अभी मेरी मामी से क्या कहा, आप गुल्लू को डैश है, अगर मैं कहती तो आपको डैश होता। बोलो मैंने क्या कहा? आप गुल्लू को डैश है, अगर मैं कहती तो आपको डैश होता। डैश डैश ये ले, आप गुल्लू को प्यारी हैं, अगर मैं कहती तो आपको झूठ होता। देखा क्या हाथ देखा भुला कर कहीं के। मैंने कहा आप गुल्लू को चाहती हैं, अगर मैं कहती तब दुख होता। ओफ, अगर ऐसा है तो मैं कल के लिए आई एम वेरी सॉरी। देखा माँ, चलो मैं तुम्हें नेचुरल आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। गुल्लू ये क्या कह रहे हो, कुछ होश है तुम्हें? नेचुरल आइसक्रीम आंटी, उधर एक दुकान है उसका नाम है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आंटी इस बार मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी आइसक्रीम आइसक्रीम। आंटी देखो ना, जो हो गया सो हो गया, मैंने कल की बात की माफी मांग ली ना, अब सब खत्म। हाँ बेटा खत्म वतम कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। आंटी आप प्लीज समझाओ ना, देखो ये मुझसे ऐसी नाराज हो रही है। समझाती हूँ आंटी। हेलो ज्योति, मैं दीपक बोल रहा हूँ। हाय कैसे हो, आई मीन कैसी हो? कैसी हो तुम? मैं दीपक बोल रहा हूँ, दीपक। पता है। ओह समझ गया, वहाँ कोई है। हाँ। तो ठीक है मैं फिर फोन करता हूँ। नहीं, 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 नहीं। बोलो बोलो। ज्योति मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कब? अभी। कहाँ से बोल रहे हो, आई मीन बोल रही हो? मैं ताजमहल होटल से बोल रहा हूँ। अच्छा तुम्हें नेचुरल आइसक्रीम पता है? हाँ पता है, लेकिन मुझे यहाँ से आने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ मिलती हूँ। ओके बाय। गुल्लू मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरे इनकार से मेरी मम्मी को तकलीफ हो या दुख हो। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। बाय। मैं गाड़ी में हूँ। अच्छा सुनो, जाओ आइसक्रीम लेकर आओ। तुम लेकर आओ, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये ले। मुझे शर्म क्यों आएगी? लड़की आइसक्रीम लेने जाए और लड़का गाड़ी में बैठा रहे। मैंने आंटी से प्रॉमिस किया था कि गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा। इडियट। गाली मत दो। तो फिर आइसक्रीम लेकर आओ। अच्छा तुम कहती हो तो मैं लेकर आता हूँ, लेकिन आंटी से नहीं कहना कि मैं गाड़ी से नीचे उतरा था, है? अच्छा बाबा नहीं कहूंगी, जाओ लेकर आओ। कौन सी आइसक्रीम लेकर आऊँ? जो तुम्हें पसंद हो। जो मुझे पसंद हो? या! या! जल्दी चलो। लेकिन वो लंगूर कौन था? ये तो मेरा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? हाँ, वो क्या है ना, आजकल दौलत की लालच में बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो मामी ने उसे मेरे साथ कर दिया। ये बात है ज्योति, अगर मैं तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ जाऊंगी। अभी जल्दी चलो कहीं वहाँ आने जाए। राइट। आइसक्रीम।
ले चलो उसे आरटीओ आरटीओ वाले गाड़ी के साथ मेरी ज्योति को भी ले जा रहे हैं। ज्योति ज्योति ए रुको, मेरी ज्योति अंदर, ज्योति ज्योति ए ए आईसीएम मिल गई। ये ले
लिए कि अगर मेरे घर वालों ने मुझे एक अजनबी लड़के के साथ देख लिया तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। और उस बॉडीगार्ड ने क्या हंगामा कर दिया होगा, पता नहीं। ज्योति, फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे। तो ठीक है, ऐसा करना तुम मेरे फोन का इंतजार करना, ओके? अब इंतजार के सिवा मेरे पास दूसरा काम ही क्या है। ओके, बाय। बाय। अब तुम जाओ। नहीं, तुम पहले गेट में दाखिल हो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। ओके। वॉचमैन, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? खड़े हो जाओ। मैडम, क्या हुआ? ये लो। ये क्या? 10 रुपया तुम्हारे लिए। सलाम करो। गेट खोलो। लेकिन मैडम। मैडम मैडम कुछ नहीं, कम है, ये लो। समझ गया मैडम, समझ गया। आइए आइए आइए। बाय। थैंक यू। रिक्शा, रिक्शा रोको। 7 बंगला, जल्दी चलो। हम तो अपना सर आपके हजूर में झुकाए खड़े हैं। आप हो तो सहारा, आप ना हो तो भी सहारा। आप तो रोशनी के मीनार हैं जो भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं। हा? कौन भटक गया रास्ते से? सर, आप कौन? वापस आ गए? मैं भटक गया रास्ते? जी नहीं सर। तो फिर ये किसके बारे में कह रहे हो? सर किसी के बारे में नहीं, बस यूं ही। दरअसल रास्ता मैं भटक गया था डिग्री के अकड़ में, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया। जीने का तरीका तो हर कोई बता सकता है, लेकिन जो सही जिए उसी के बाद में असर पैदा होता है। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ सर, आपकी बात में भी असर है और आपके जीने का स्टाइल भी निराला है। अच्छा, तो यही बात तो मेरी तस्वीर से कह रहे थे? जी हाँ। जी नहीं सर, वो क्या है कि आपके सामने हिम्मत नहीं होती ना। एक बात याद रखना दीपक, जो आदमी पीठ पीछे कहे और मुंह पर कहने की हिम्मत ना रखता हो वो बुजदिल और तगाबाज होता है। कहीं तुम भी? सर मैं उन दोनों में से एक भी नहीं हूँ। चलो अच्छा हुआ तुमने मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं की, वरना मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके लिए हमारे इंडस्ट्री में एक स्पेशल लफ्ज है, चमचा। और वैसे भी मैं हाथ से खाना पसंद करता हूँ, चमचा तो हर एक के मुंह में जाता है, राइट? और हाँ दीपक, तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल बिल्कुल मेरी तरह। कपड़े? कपड़े तो बिल्कुल आपकी स्टाइल के होने चाहिए। यू आर माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सर। इंस्पिरेशन तक तो ठीक है, वैसे इंसान को अपना स्टाइल खुद बनाना चाहिए। अगर वो किसी और की कॉपी करें तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। और एक बात तो बताना भूल गया, इन कपड़ों में तुम किसी हीरो से कम नहीं लग रहे। थैंक यू सर। और सुनो, ये सूट मैंने किसी पिक्चर में पहना है, कल इसकी जरूरत पड़ेगी, अपने साथ ले आना, ओके? लक्ष्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश होने का कोई कारण तो होगा? है, बहुत बड़ा कारण है। तो कहो ना। कहूंगा तो कहोगी कि मेरा बेटा है। दीपक के बारे में? उसी के बारे में। आज उसको देखकर मेरा सर फक्र से तन जाता है। एक आर्किटेक्ट की डिग्री लिया हुआ लड़का अपने बाप की जिम्मेदारियों को कितनी खूबसूरती से निभा रहा है, एक ड्राइवर बनकर। अगर मुझे उसे ड्राइवरी करते हुए देखकर बहुत दुख होता है। दुख की बात नहीं है लक्ष्मी, आज वो जिंदगी की हकीकत को समझ चुका है। एक ड्राइवर की नौकरी करने में भी आज उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा, वो अपने कदमों पर खड़ा हो चुका है। उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके बीच कोई भी आ जाए, कोई भी। अरे गुल्लू, तुम कहीं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने जा रहे हो? मम्मी से कह देते, वो तुम्हारे लिए बंदर से लेकर जोकर तक का ड्रेस बनाकर देती। हाँ, मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो गरबा खेलने जा रहा हूँ। मेरे पास सर्वोदय मित्र मंडल के 2 पास हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। मैं और तुम्हारे साथ। माय फुट आंटी, कम ऑन नाउ। मम्मी, ऐसी हालत में मैं इसके साथ जाकर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती। ओ ज्योति प्लीज। नहीं नहीं, मेरे पेट में सर दर्द है। ये ले। तुम्हारे साथ जाकर मेरा भी दिमाग चला गया है। कहना कुछ चाहती हूँ और बक कुछ रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ही नहीं। आंटी, आंटी प्लीज आप समझाइए ना। कोशिश करती हूँ। प्लीज
ज्योति अब तो। हेलो ज्योति। ओ दीपंती। हाँ मैं ही बोल रही हूँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गरबा में चले? अगर तुम साथ हो तो। ठीक है तो तुम मुझे सर्वोदय मित्र मंडल में मिलो। तो ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर गेट पे इंतजार करूंगा। ओके बाय। गुल्लू जब तुम प्लीज बोलते हो ना तो मैं मजबूर हो जाती हूँ। क्या अब तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ये ले। ए, शराफत से मैं चेंज करके आती हूँ। मैं गाड़ी में हूँ। पागल ही है। ओके लेट्स गो। गुल्लू गाड़ी तो पार्क करके आ। ये ले। तुम नहीं रुको, मैं अभी गया गाड़ी पार्क करके आया। ओके उल्लू गया। ज्योति ज्योति पास तो उनके पास है। अरे क्या बंडल में आता है? अरे वो मुझे अंदर जाना है गरबा खेलने। पिज़्ज़ा मर्डर से हवा देना। ज्योति अरे शू करे छे मारी डार्लिंग तैयार छे। ए ए सिक्योरिटी हरी बना के। वो तो बसी है मेरी सांसों में तस्वीर
उसकी आंखों में आंखों आंखों में उसकी आंखों में आंखों आंखों में सज सजेगी यार एक दिन कलियों से सज सजेगी यार एक दिन कलियों से लाए हैं महकी बहार सपने साजन के के नाजुक हाथों में इतना दम है पहली बार पता चला अरे कहां कहां मार लगी है बताता क्यों नहीं नहीं मम्मी ऐसी ऐसी जगह मार लगी है कि मैं बता नहीं सकता हेलो एवरीबॉडी ये क्या सुबह तो सूट पहन कर गए थे हाँ बड़ी गया था ना वो मेरा फ्रेंड है ना मिस्टर लोबो वो मेरे साइज का है वो बोला सूट बड़ा अच्छा है हम बोला हांगकांग का है तो दे दिया अरे फ्री में थोड़ी दिया है 3,500 में लिया था 7,500 में बेचा है 4,000 रुपए का मुनाफा किया है और तुम ऐसी हालत में चले आए शर्म नहीं आई अरे बड़ी इसमें शर्म की क्या बात है गाड़ी में नीचे का पोर्शन थोड़ी दिखता है ऊपर का पोर्शन दिखता है लोगो को लगा होगा जैकी श्रॉफ जा रहा है ये ले जैकी श्रॉफ आईने में शक्ल देखी है अपनी अरे मेरी शक्ल तो बाद में देखूंगा पहले ये बताओ कि इसकी शक्ल को क्या हुआ है मार खा के आया है मार खा के आया है मम्मी बहुत दर्द होता है अंग दुखता है अरे तेरा आकाशवाणी का पंचांगी प्रोग्राम बंद कर और ये बता कि किसने मारा है अभी भाई को फोन करता है जिंदगी में एक ही तो पीस मिला है इसका भी पब्लिक ने डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया अरे पूछो पूछो इसका शक्ल किसने खराब किया ज्योति ने पिटवाया है, है? नहीं मम्मी ज्योति ने नहीं तो फिर मैंने एक लड़की को ज्योति समझ के हाथ लगा दिया तो... बड़ा बड़ा है ना रॉन्ग नंबर पे डायल करेगा तो मार तो पड़ेगी ना लालू चुप चुप बन मैं चुप रहूंगी गुल्लू ज्योति तुम्हारे साथ थी कहीं तो मेरे साथ थी और वहाँ लंबे बाल वाले पिल्ले के साथ घूम रही थी अरे इसके दिमाग का इलाज कराओ ये तो काम से गया है मैं इसको हांगकांग लेके जाता है नहीं मैं हांगकांग नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा मेरी ज्योति यहाँ पर है मैं भी यही रहूंगा मैं भी यही रहूंगा कंग्रेचुलेशंस अब तुम आर्किटेक्ट बन ही गए हो जी मैंने अपना नाम आर्किटेक्ट एसोसिएशन में रजिस्टर करवा दिया कुछ ही दिनों में लाइसेंस मिल जाएगा गुड तो मडाने का बंगला तो जानते हो ना जी उसे तोड़वा कर वहां पर कोई नया डिजाइन बनाओ जी और काका जी ड्यूटी पर आते ही तुम अपना काम शुरू कर दो ओके जी राजेंस को जानते हो जी ठीक है वो तुम्हें बंगले पर मिलेगा जी मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात कर ली है वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा जी ये तुम जी जी करते रहोगे कि उसके आगे भी कुछ बोलोगे जी फिर जी क्या बात है कोई बात नहीं सर बात नहीं है तो फिर ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो वो तो ऐसे ही सर कहीं जाना है क्या नहीं हाँ कहीं जाना है सर कहाँ
गैराज में। गैराज में क्यों? कार की ट्यूनिंग करवानी है। ट्यूनिंग? गाड़ी तो कल ही गैराज चाहिए ना सर। वो क्या है कि कार तो हम वहाँ छोड़ाते हैं उनके भरोसे पर, लेकिन वो अपनी पसंद से काम करते हैं। गाड़ी तो मुझे चलानी है, इसलिए मैं खुद अपने सामने कार की ट्यूनिंग करवाना चाहता हूँ। कोशिश करो जल्दी आने की, लॉरी मुश्ताक आ रहा है, मुझे उनके साथ बाहर जाना है। लेकिन सर वहाँ पर कितना वक्त लगेगा, गैराज वालों पर कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ट्राई एंड कम सून। ओके सर, थैंक यू। सर ये क्या? ये इनकम टैक्स के पेपर हैं और बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और गैराज के बिल। अच्छा, ये गैराज का इतना? हाँ सर, अपने एक ही तो बिल आता है गैराज का, आपको मालूम नहीं सर? बाई गॉड, इस शेट्टी और उस खन्ना ने आपकी गाड़ियाँ रिपेयर कर करके इतना माल बनाया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई है कि पूछो मत। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर मैंने भी एक गैराज खोल लिया होता तो अब तक 10-15 पेटी का मालिक बन जाता मैं। ऐसी बात है तो गैराज क्यों नहीं खोल लेते? अजी खोल लेता हूँ। और ये सेक्रेटरीशिप कब छोड़ रहे? सेक्रेटरीशिप? वो नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों, इसमें ज्यादा माल है? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। ये किसका बिल है? ये जो है ना जी, वो होटल के बिल। कितना मालूम नहीं, इतना कैसे हो गया? वो मैं पिछले महीने 20 दिन में आउटडोर में था कहीं। तुम तो नहीं? नहीं, मैं तो कभी होटल में खाना खाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर का खाता हूँ। लगता है मेरे नाम पर कोई और ऐश कर रहा है। इतना सब? ज्योति, तुम इनमें से बस एक एक चीज ले लो तो पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन ये तो पैसे वेस्ट करने वाली बात है। ये तो अपना स्टाइल है, और फिर ये सब तुम्हारे लिए, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो ये होटल भी खरीद दूंगा तुम्हारे लिए। तो बस वो चार सीन करना, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, जब तक सब आर्टिस्ट का पता चलेगा। एक्सक्यूज मी जी, वो ग्रे होंडा में कौन है? वो उसमें से एक लड़का लड़की उतरे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं। लॉरी जी, मैं जरा जाकर आता हूँ, बैठना। चलिए समझे। जैकी के साथ तो हमारे बिजनेस टर्म्स हैं। दरअसल जैकी का बिजनेस और कारों का फाइनेंस तो मैं ही करता हूँ। अच्छा? तभी तो हर दो महीने के बाद उसके पास कोई ना कोई नई इम्पोर्टेड कार। अरे तुम्हारे पास भी तो एक से एक कार है। उन्हीं की बदौलत है। मतलब? मेरा मतलब यार का शौक मैंने चुरा लिया है, जैकी हमारा यार है ना। अरे हाँ याद आया, मेरे कुछ रिलेटिव्स बैंकॉक से आए हैं, उनको जैकी से मिला दो ना, वो सब उनके फैन हैं, और मैं भी। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैकी को तो यूं चुटकी बजा के बुलाऊंगा और वो यूं हाजिर हो जाएगा। एहसान फरामोश धोखेबाज, मेरी हमदर्दी का तूने मुझे यह चिल्ला दिया। लेकिन सर। लेकिन क्या? अपनी औकात देखिए तूने, जो इस लड़की को मेरी कार में लेकर यहाँ पर अय्याशी मनाने आया है, वो भी मेरे पैसों से। क्या? जिस आदमी के पास दंड ढकने के लिए अपने खुद के कपड़े ना, जो चोरी करके मेरे कपड़े पहनता हो, जो मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हो, उसे झूठी शान दिखाने के लिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर, मैंने तुम्हें शरीफ ड्राइवर का बेटा समझकर इतनी इज्जत दी और तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया, एक मासूम लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहे हो तुम। ड्राइवर का बेटा? हाँ, ड्राइवर का बेटा। ये मेरे बंगले के पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर में रहता है। सर्वेंट्स क्वार्टर? मैं इसके बाप की इज्जत करता हूँ, इसलिए उनकी जगह मैंने इसे ड्राइवर रख लिया। और ये हरामखोर, धोखेबाज, झूठे मक्कार, तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम मल्टी मिलियनेयर हो और मेरी मोहब्बत को खरीदने की कोशिश की। क्या हुआ दीपक? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाय बॉस, हाय हाय, ऑलराइट। दोस्तों में क्या फॉर्म है? बैठना यार, she's too much. तुम्हारा और मेरा टेस्ट बिल्कुल एक ही जैसा है। Great. आपकी उम्र बहुत लंबी है। उम्र लंबी हो या छोटी, इज्जत और शान से गुजरनी चाहिए, राइट दीपक जी? इतना पसीना क्यों? शायद कुछ तीखा खा लिया ज्यादा। वैसे आज फुर्सत कैसे मिली तुम्हें? ये तो मेरे लिए फुर्सत निकाल लेते हैं, वरना इनका एक कदम इंडिया में तो एक फॉरेन में। बिल्कुल मेरी तरह, कभी इंडोर कभी आउटडोर। हाँ,
कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी स्टूडियो में, कभी उस स्टूडियो में। हाँ, जबी तो इन्होंने अपना फोन नंबर तक नहीं दिया मुझे। अच्छा दीपक, तो मेरा क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया फोन नंबर? जी मेरा मतलब है, हम दोनों में इतनी सिमिलैरिटी जो है। हाँ, वो तो है, इसलिए आप दोनों की दोस्ती बिजनेस में बदल गई और ये आपको फाइनेंस करने लगे हैं। इन्हीं के फाइनेंस से ही तो मैं जो कुछ हूँ, वरना तो मैं बर्बाद हो गया होता। राइट दीपक, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो तूने मुझे कर दिया, मैंने तेरे लिए क्या क्या सोचा था। एनीवे बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर, व्हाई नॉट। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, नाइस नेम। ज्योति, क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो? जी। घबराने से काम नहीं चलेगा, अगर हाँ है तो कह दो, मैं जाके इनके घर वालों से बात करूंगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। ग्रेट, ओके, सी यू सून। फुर्सत मिली तो फोन करना, वैसे भी मैं तो फोन करने ही वाला हूँ। बाय। सी या, एक्सक्यूज मी सर, उनका बिल मेरे अकाउंट में। यस सर। नहीं भी बोलता तो भी मेरे अकाउंट में आता। दीपक, ए दीपक, दीपक काम पे नहीं जाना है? तो फिर चलो उठो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है माँ। तो चलो उठो। क्या हुआ लक्ष्मी? कुछ नहीं, चल उठ, जल्दी तैयार हो जा। अरे अगर साहब जी को कहीं जाना होगा तो देर हो जाएगी, चल बेटा तैयार हो जा जल्दी। होता हूँ बापू। कमाल का लड़का है भाई, जब जाने ही है तो सुस्ती क्यों कर रहा है, चल उठ चल। दीपक, दीपक, अरे कहाँ हो यार? अरे आओ ब्रह्म बाबू, सब खैरियत से तो है? अरे अभी तक तो सब खैरियत है, लेकिन अगर दीपक लेट हो गया ना, बाई गॉड गड़बड़ हो जाएगी। आ? दीपक, अरे जल्दी कर यार, साहब जी को गोल्फ क्लब जाना है, जल्दी आ। सॉरी सर। आइए सर जी, आप नहीं, आप बंगला संभालिए। जी मैंने वो जितना कहा उतना करो। जी। जानते हो मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? तुम्हें जिंदगी की हकीकत बताने के लिए, यह समझाने के लिए कि झूठ की रोटी पर ऐश करने से पहले मेहनत की कमाई कमाना सीख लो। जाओ बाल्य। जी वो बाल्य करो। मेरी नरम दिली को तुमने अपनी झूठी शान और दिखावे के लिए इस्तेमाल किया, उसका मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। जाओ बोल लेकर। पढ़े लिखे ग्रेजुएट होने के बावजूद भी तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, आज तो मेरे नजरों में बहुत छोटे हो गए हो। क्यों किया ऐसा? आपकी वजह से सर। मेरी वजह से? सर उस दिन इंटरव्यू में आप ही ने तो कहा था कि जब आपके जेब में पैसे नहीं थे तब भी आपका स्टाइल यही था, बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते थे चाहे आगे कोई भी हो। सर आजकल की लड़कियां सिर्फ स्टाइल को देखती हैं, पॉकेट में पैसे को नहीं। तो मैंने भी सोचा कि तू मेरी स्टाइल अपना कर, मेरी तरह बन जा।
क्या तुमने कभी यह सुना है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया या कभी झूठ बोला है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? लेकिन तुम तो अपनी मोहब्बत की तस्वीर को झूठ की दीवार पर टांग रहे हो जो कभी भी गिर सकती है। एक बात याद रखना दीपक, जिससे मोहब्बत करो उसे झूठ कभी ना बोलो। सर तो मैं अब क्या करूं? करना क्या है, जाओ जाकर उसे अपनी हकीकत बता दो, बता दो कि तुम कौन हो, क्या करते हो। दीपक आज नहीं तो कल ये सच्चाई उसके सामने आ जाएगी, फिर क्या? सच्चाई से मुंह छुपाना बुजदिली होती है और बुजदिल इंसान को मैं अपना दोस्त नहीं मानता। लो। हेलो ज्योति। दीपक कहाँ हो, कहाँ तो? मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ। अभी? हाँ अर्जेंट काम है, अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ प्लीज। तुम कह रहे हो आना तो पड़ेगा ही, तो ठीक है पाम ग्रोव होटल के गेट के बाहर अपनी गाड़ी लेकर आना। मेरी गाड़ी? क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके वाली है। इतने दिन तो उल्लू बनाया उसे। हेलो। हेलो आंटी, मैं ज्योति। अरे ज्योति बेटी कैसी हो तुम, बहुत दिन हुए हमारे यहाँ नहीं आई। आती हूँ आंटी। हाँ जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर घर सुना सुना लग रहा है। हाँ आंटी, गुल्लू है? गुल्लू है ना, तो बुलाइए ना। हाँ बुलाती हूँ। किसका फोन है? ज्योति का फोन है। ज्योति का? पूछो पापड़ खाएगा। चुप, वो गुल्लू से मिलना चाहती है। हैं? तो फिर मैं बात करता हूँ ना, लगता है मामला पक्का है। पक्का तो है, लेकिन तुम फोन को हाथ मत लगाओ, गड़बड़ कर दोगे। नहीं लगाएगा नहीं, इस घर में मार्शल लॉ चलता है, हमारी एक कौड़ी की कीमत नहीं है, हम तो हांगकांग चला जाएगा। तो चले जाओ ना। हेलो ज्योति। हाय गुल्लू। हाय, मैं तो एकदम खलास, अब क्या करूं क्या करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे मिलना चाहती हो? कब, कहाँ, कैसे? तुम गाड़ी लेकर मेरे घर आ जाना। अच्छा हुआ तुमने गाड़ी के लिए कहा, नहीं तो पैदल तो क्या, मैं दौड़ते हुए आने वाला था। गाड़ी लेकर आना। हाँ हाँ गाड़ी लेकर ही आऊंगा। याहू! देखा है पहली बार ज्योति की आंखों में प्यार। रुको रुको क्यों क्यों? रुको। आज ना तो मैं आइसक्रीम लेने जाऊंगा, ना कपड़े चेंज करने जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। मत जा, लेकिन पेट्रोल तो ले लो। ये ले, पेट्रोल तो बहुत है। फुल टैंक करो। फुल टैंक क्यों? हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना, पेट्रोल खत्म हो गया तो। लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? पेट्रोल खत्म हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए तो कह रही हूँ। अरे ये लॉन्ग ड्राइव माय बेबी एंड मी गोइंग फॉर अ ड्राइव। ओके बस करो। हाँ सर। ए फुल टैंक। ये ले। हाँ, ये ले। You know, तुम बिल्कुल मेरी मम्मी हो। क्या? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी मम्मी भी मेरे डैडी को बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर करती है। तो तुम जब मुझे ऑर्डर करती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो पर्स दे दो और तुम जाके मेरी मम्मी को फोन करो। हाँ लेकिन मम्मी को फोन क्यों? अरे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना, अगर देर हो गई तो कह दो हमारी फिक्र न करे। लॉन्ग ड्राइव? Love to love you baby, love to love you baby।
चाबी दे, चाबी दे। परमिशन गारंटेड। अरे वो गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी तो मैम सब ले गई और पैसे भी नहीं देखे। क्या लॉन्ग ड्राइव? तुम्हें कैसे मालूम? आंटी ज्योति ने मुझे खुद ही तो कहा था, जल्दी आ जाओ लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। अरे भाई ये लॉन्ग ड्राइव क्या है? ये ले, इनको ये भी नहीं मालूम कि लॉन्ग ड्राइव क्या है। लॉन्ग ड्राइव मतलब लंबा रास्ता। अच्छा तो ये लंबा रास्ता हमारी बेटी का उसकी सहेलियों के घर पर ही खत्म होता है? जी नहीं, वो किसी सहेली के यहाँ नहीं गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसके सब सहेलियों के यहाँ फोन किया, वो कहीं भी नहीं है। आंटी कभी कभी मुझे लगता है कि ज्योति किसी चक्कर में है। कौन सा चक्कर? शायद कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड। खामोश! ऐसी बाजारी जबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती? शर्म महसूस होती है, इसीलिए तो अपने डैडी के पास नहीं गया, चुपचाप आंटी को बताने के लिए आ गया। बहुत अच्छा किया बेटे, तुम ये बात अपने डैडी को बिल्कुल मत बताना। आंटी आप कहती हैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन आंटी कोई लड़का कभी कभी। गुल्लू गुल्लू अब बस करो और यहाँ से जाओ, उसी में तुम्हारी बेहतरी है। अरे जाऊं कैसे, मेरी गाड़ी तो ज्योति के पास है। ज्योति जाकर गाड़ी में बैठो, तुम भीग जाओगी। तुम भी तो भीग रहे हो। अरे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारी भी तो हो सकती है। ज्योति तुम्हारे भीग जाने से गाड़ी थोड़ा ठीक हो जाएगी, चलो जाकर बैठो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम डांटते हुए बहुत अच्छे लगते हो। ज्योति चलो जाकर बैठो। ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? ऑर्डर है। तो फिर ठीक है, जाना तो पड़ेगा ही। तुम गाड़ी जल्दी से ठीक करो, ये मेरा ऑर्डर है। ओफो, अब जाओ भी। मेरी बाहों
जवां हंसी समा जाने कैसी ये प्यास जगी जवां जवां हंसी समा जाने कैसी ये प्यास जगी क्या गई थी तू कहां गई थी तू बोलती क्यों नहीं पता था कहां मांगे थी शालिनी क्या कर रही हो तुम मैं इस आवारा को जिंदा काट दूंगी अरे शर्म है कुछ है इसे जवान लड़की रात रात भर घर से बाहर रहती है क्या अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी समझती क्या है मैं छोड़ दूंगी मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी शालिनी शालिनी आप बीच में मत आइए चीखने चिल्लाने से क्या होगा बच्ची अभी आई है किस वजह से देरी हुई है ठंडे दिल से पूछो इसे ठंडे दिल से कौन से ठंडे दिल से पूछूं कि ये जवान लड़की के लक्षण है क्या ये शरीफ लड़कियां करती है जिंदगी भर दुनिया के सामने तन कर रही हूँ मैं अरे लोगों से आंख मिला के बात की है मैंने और ये सुअर नहीं 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 क्या कर रही हो शालिनी बस करो कोई तुम्हारी इज्जत खाप में नहीं मिलाएगा इधर चुपचाप खड़ी रहो मैं पूछता हूं बेटे क्या बात हो गई थी चाचा गाड़ी खराब हो गई थी गुल्लू की गाड़ी लेके जाने की जरूरत ही क्या थी अगर दिखावा करने का इतना ही शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे फिर घूमती रहना उसकी गाड़ी में कम से कम मेरे सर से तो बोझ उतरे शालिनी जब बच्ची ने एक बार कह दिया कि गाड़ी खराब हो गई थी गाड़ी खराब हो गई थी तो टेलीफोन नहीं कर सकती थी घबराहट में टेलीफोन करना भूल गई होगी बस चाचा बहुत हो गया देख लिया इसे आजादी देकर सोचा था बच्ची आज नहीं तो कल समझ जाएगी लेकिन ये तो सर पे ही नाचने लगी चलो उठ यहाँ से खबरदार जो आज के बाद घर से बाहर कदम निकाला तो और चाचा आपने भी अगर इसे मेरी इजाजत के बगैर बाहर जाने दिया तो मैं आपसे भी आइए आइए शहजादे साहब कहाँ रास्ता खो बैठे थे अब चुप भी करो क्यों चुप करो हैं क्यों चुप करो ये कोई सलाह नहीं है कि जब जी चाहा चले आए और जब जी चाहा सर उठाए चले गए आखिर मेरा भी कुछ हक है मैं बाप हूँ कोई सराय का मालिक नहीं हूँ क्या उल्फुल बके जा रहे हो मैं बक नहीं रहा हूँ इन लाट साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ये अपनी मनमानी नहीं चला सकते बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने से कोई तीस मार का नहीं हो जाता उसके लिए तमीज चाहिए शरीफों की तरह रहने का सलीका होना चाहिए अब जाने भी दो अजी जाने कैसे दूं सारा सारा खून सूख गया इसके इंतजार में हम गरीबों के यहाँ मोहब्बत के दिए जलते उसी की रोशनी में हम जीते सांस लेते तभी तो कोई नहीं सोया रात भर देख बार हम बेचैनी से इसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और यह हमारी जिंदगी में अंधेरा फैलाएगा तो नहीं चलेगा लेकिन तो बिल्कुल नहीं चलेगा अपने दोस्तों के साथ रंगरलिया मनाने गए थे वाह अरे वाह देख वाह इतना बड़ा आदमी लेकिन फिर भी मेरे साथ जी के दिल में हम जैसों की निर्दर्द है
सारी रात उनके कमरे की बत्ती जलती रही, नहीं सोए वो, नहीं सोए। उनके दिल में तक हमारे लिए दर्द है, पर ये कहे कि अब चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं, कहा मारा था रात भर। ये क्या कह रहे हैं आप? तो फिर पूछती क्यों नहीं इससे? दीपक कहा था तू रात भर? माँ गाड़ी खराब हो गई थी। देखो जी दोस्तों के साथ गया था, गाड़ी खराब हो गई उनकी। गाड़ी खराब हो गई थी। दीपक तू जा थोड़ी देर आराम कर जा। क्यों जी जवान बेटे के साथ ऐसी बातें करते हैं? क्या करूं लक्ष्मी मैं क्या करूं, रात भर इसके इंतजार में मरता रहा हूं मैं। तुझे तो पता है आजकल का जमाना, अगर इससे कुछ हो जाता तो मेरी तो कमर ही टूट जाती। कुछ नहीं होगा हमारे दीपक को, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा उसे। क्यों अब तू क्यों रो रही है? बस यूं ही आंसू निकल पड़े। बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी ना, मैं जानता हूं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं लक्ष्मी, इसके तो अपने बच्चे होंगे ना, तब पता चलेगा इसे। देखिए हमारा दीपक बहुत समझदार है, तभी तो वो चुप है, उसे अपनी गलती का एहसास है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब आप भी परेशान मत होइए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके पैर दबाती हूँ, चलिए।
क्या बताऊं साहब जी, कई दिनों से दीपक एकदम चुपचाप सा रहता है, ना वक्त से खाता पीता है ना सोता है वो। पूछा नहीं काका के क्या है क्या हुआ है? नहीं मैंने पूछा साहब जी, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं देता, एकदम खामोश रहता है। समझ में नहीं आता क्या बात है। अब जवान लड़के से जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना, और फिर अपनी उम्र का भी लिहाज रखना पड़ता है। साहब जी वैसे वो आपका हम उम्र है और आपसे काफी बेतकल्लुफ है, एक बार आप उससे पूछ कर देखे ना, शायद आपको वो बता दे। ठीक है, तस्वीर भेज दो। डोंट वरी, मैं भेजता हूँ सर। गुड नाइट सर। जो तुम कर रहे हो क्या वो ठीक कर रहे? लेकिन सर। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खामोशी से काका और काकी पर क्या गुजर रही होंगी? तुम्हारी खुशियां दीपक उनकी जिंदगी है और तुम्हारी खामोशी उनकी मौत। मैं जानता हूं सर। जब तुम जानते हो तो फिर ये देवदास बनकर घूमने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम असली हो, वो जाकर उस लड़की को समझा दो। अगर वो तुम्हें चाहती है तो तुम्हें किसी भी हाल में कबूल करेगी। लेकिन सर मैं उसका सामना नहीं कर सकता। शर्म आती है मुझे तुम पर। 15 साल तुम्हारे पापा ने मुझे दिए, मैं उन्हें किसी भी हाल में परेशान और बेबस नहीं देख सकता। अगर तुमने हिम्मत नहीं है तो फोन नंबर मुझे दो, मैं उससे फोन करूंगा। नहीं सर, मैं उसे खुद कह दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हे भगवान, मुझे आज इतनी शक्ति दे दे कि मैं अपनी ज्योति को सब कुछ सच सच बता सकूं। मुझे शक्ति दे दे भगवान, शक्ति दे। ज्योति। दीपक। ज्योति, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया कि मैं तुमसे साफ साफ कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। ज्योति, अगर मैं दौलतमंद नहीं हुआ तो? और अगर मैं अमीर ना हुई तो? एक ड्राइवर का बेटा हूं। मैं एक ड्रेस डिजाइनर की बेटी हूं। वो तमाम इंपॉर्टेंट कार्स मेरी नहीं, जैकी साहब की हैं। मेरी गाड़ी भी मेरी नहीं, गुल्लू की है। मेरे सारे कपड़े उन्हीं के थे। मैं भी तो हीरोइनों के कपड़े पहनकर आती थी। मैंने तुमसे झूठ कहा? मैंने भी तुमसे कब सच कहा? उड़ने की कोशिश में मैंने जमीन का साथ छोड़ दिया था। एक झूठ ने न जाने कितने गुनाहों को जन्म दिया, लेकिन हर झूठ के साथ मैं अधूरा होता चला गया। सच्चाई का साथ छोड़ते ही मुझमें भी किसी से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं रही। मैं झूठ की दुनिया में अपना वजूद खो बैठी।
लेकिन आज आज मन का बोझ हल्का हो गया। हाँ, मैं भी अपने आप में एक नई ताकत महसूस कर रहा हूं। ज्योति, ये सच है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं। फिलहाल बेकार हूं, लेकिन मैं आने वाले दिनों में तुम्हें इज्जत की रोटी और सच छुपाने के लिए छत दे सकता हूं। बस यही तो मैं चाहती हूं। दीपक, अब तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? अब तो सिर्फ मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। सच? हाँ, बिल्कुल सच। क्या कर रही थी लंबे बाल वाले गधे के साथ? तो पढ़नी है शादी के बाद। और मारो। उठा के इसको इसके झोंपड़े के पास फेंक दो। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना ये दोनों तो शहर छोड़कर भाग जाने वाले थे।
इसकी वजह से कल सारी दुनिया आप पर थू थू करने वाली थी आंटी। मामी ये झूठ कह रहा है। चुप कर बेशरम, इतना सब कुछ होने के बाद भी जबान चलाती है। बहुत अकड़ती थी ना कि मैं तो किसी अमीर से शादी करूंगी, यही है तेरा वो लखपति एक ड्राइवर का बेटा। कुछ भी हो मैं उसे चाहती हूँ। तेरी चाहत को मैं अपनी जूती तले रखती हूँ। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा। गुलू तुम कल अपने मम्मी डैडी को ले आओ, मैं ज्योति और तुम्हारी शादी फौरन करवा दूंगी। ये ले आंटी, मैं यूं गया और पूरी बारात लेकर यूं आया। बाय ज्योति, सी यू टुमारो। जल्दी कर बेटी, जल्दी कर, कहीं वो शैतान फिर से न टपक पड़े। बस हो गया चाचा। बेटी वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। हाँ। और दीपक की खैरियत के बारे में भी बता देना। जी चाचा। जीती रहो, सुखी रहो, परवरदिगार तुम्हारी मदद करे। चलो। ओ खुदाया, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, शैतानों की टोली आ गई। अब क्या करूं? एक मिनट। ये लो, ये ले लो। क्या करूं इसे? अपने चेहरे के पास रख लो ऐसे। आओ। अच्छा। ठीक से पकड़ो भाई। फिकर मत करो, भी धड़क जाओ, जाओ। आर के स्टूडियो में जाना। मम्मी आज सगाई और कल शादी की बात पक्की कर देना प्लीज आप। जल्दी आओ। ज्योति ये ले। शादी की बात सुन के अभी से शर्मा के जा रही हो? कह देना बाकी के कपड़े शाम तक मिल जाएंगे। अरे बाप, ड्रेसमैन है भैया ये? मैंने के ज्योति है। अरे बाबा, तेरे को मैन और वुमन के बीच में फर्क नहीं मालूम क्या? ये तो सावन का अंधा हो गया है, इसे हर तरफ ज्योति ज्योति नजर आती है। ये तो अच्छा हुआ कि शालिनी ने जल्दी किया, नहीं तो शो केस में रखी हुई सभी पुतलियों को चिपक कर ये बोलता ज्योति ज्योति। लालू चुप, जोक बंद। अब थोड़ी देर में तुम ससुर बनने वाले हो। हाँ मैं ससुर और तुम ससुरी, उसमें हंसने का मना है क्या? चलो अंदर। जैसा हुक्म। शालिनी। आंटी। शालिनी। अरे बाबा छोकरी को तैयार करता होगा ना। गार्डमेंट बड़ा अच्छा है, हांगकांग में थोड़ा सप्लाई करेगा ना। चलो, तो अपने छोकरे की शादी का खर्चा निकल जाएगा। चुप, बैठ जाओ। कैसी हो शांति? ठीक हूँ। नमस्ते लालू भाई। नमस्ते नमस्ते। बड़ी शालिनी, तुमने तो हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। इधर छोकरा उधर छोकरी, इधर शादी उधर बच्चा, बड़ी फास्ट सर्विस है तुम्हारी। लालू चुप, जो बन। मैं तो इनकी। चुप। नहीं वो मैं शादी के लिए इसलिए जल्दी कर रही थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, गुलू ने हमें सब कुछ बता दिया है। बस हमारी बहू हमारे हवाले कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। कहाँ है हमारी बहू? कमरे में है। बड़ी क्यों लगाई है? बड़ी सोने की चिड़िया को तो पिंजरे में ही रखना पड़ता है, नहीं तो फुरूर फुरूर करके उड़ जाती है। गुलू। जी आंटी। गुलू ज्योति कहाँ है? रूम में नहीं। नहीं ज्योति। गुलाम चाचा। ज्योति। गुलाम चाचा, गुलाम चाचा। ज्योति कहाँ है? वहीं जहाँ उसे जाना चाहिए। दीपक, दीपक। कौन चाहिए? हा? जी दीपक। तुम दीपक के दोस्त हो बेटा? जी। अच्छा आओ, तुम्हें मालूम है कल दीपक को कुछ गुंडों ने मारा? आओ, काफी चोट भी आई है उसे, देखो। ज्योति। तू ठीक तो हो ना दीपक? ज्योति। ज्योति। हाँ माँ, ये ज्योति है। तो तुम ज्योति हो? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। एक तो आत्महत्या कर दिया है मेरे बच्चे को तुम्हारे गुंडों ने। माँ। हाँ और नहीं तो क्या? नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दौलत वौलत, दो वक्त की रोटी में ही हम खुश हैं। माँ। और नहीं तो क्या? हम गरीब जरूर हैं, मगर इज्जत ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। माँ, ये तो हमारी तरह है। हमारी तरह मतलब? माँ, मुझे गुल्लू ने गुंडों से पिटवाया है। गुल्लू? कौन गुल्लू? वही जो ज्योति से शादी करना चाहता है। माँ जी, मैं सब कुछ छोड़कर आपके कदमों में आई हूँ, मुझे भी पीटा गया है, ये देखिए। बड़े जालिम लोग हैं। माँ जी, मैं दीपक के बिना नहीं रह सकती। माँ जी, अगर आपने सहारा ना दिया तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। माँ, मैं भी ज्योति के बगैर नहीं रह सकता।
अजी सुनते हो? हाँ सुन तो रहा हूँ। बेटी तुम अपने घर पर बता कर आई हो? कमाल करते हैं आप भी, देखा नहीं बच्ची को कितना मारा है, और ये लड़के के भेस में आई है तो क्या घर पे बता के आएगी? हाँ तो यही तो मैं इसकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या करें? दीपक जी तुम इसे लेकर साहब जी के मडालैन वाले बंगले पर चले जाओ, साहब जी जैसे ही आ जाएंगे कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। हाँ जाओ बेटा अब देर मत करो। अच्छा माँ संभल कर जाना। बापू जी जी तेरा बेटा। चलो ज्योति जाओ। आंटी आप मुन्ना के साथ जाना ज्योति को लेने। ये ले। ज्योति किधर है? तुम कौन हो ज्योति के? वो मेरी बेटी है, वो हमारे होने वाली बहू है। ये ले। ना कार्ड ना फेरे ना बैंड ना बाजा, और बन गए तुम लोग सास ससुर। जल्दी से बताओ ज्योति कहाँ है, वरना हम लोग अपना काम दिखा देंगे। मुन्ना ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, यही होगा अभी। छोड़ दो, भगवान के और मारो। नहीं क्यों मारे हो इन्हें? मैं बताती हूँ ज्योति दीपक के साथ साहब जी के मर वाले बंगले में गई। अरे साहब जी कौन है? साहब जी जैकी साहब। ये ले जैकी श्रॉफ। चले नहीं चल तो हमें जैकी श्रॉफ के बंगले का पता बताएगा। जैकी श्रॉफ का बच्चा। चुप, अभी पता चलता है साहब जी तुम्हारी कैसी धुलाई करते हैं। ये ले धुलाई करेगा, जैसे हम आदमी ना हुए कपड़े हो गए, और वो हीरो ना हुआ धोबी हो गया। पीछे आ रहा है। अरे मुन्ना दादा ये तो पीछे लग गया हीरो। मुन्ना एक काम करो, इस हीरो के रास्ते में विलन बन जाओ, इसका रास्ता रोक दो। रोको इसको रोको। ए तुम लोग चैकी की गाड़ी को रोको। ज्योति अब तुम रिलैक्स होकर बैठ सकती हो। कैसे रिलैक्स हो जाओ? गुलर उसके साथ ही कभी भी आ सकते हैं। अरे वो तो उसी वक्त आ सकते हैं जब उन्हें पता हो कि हम यहाँ हैं। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। ज्योति मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही डरपोक निकली। डरपोक की बात नहीं है दीपक, जिंदगी में पहली बार मम्मी के खिलाफ कुछ काम किया है। पता नहीं इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। वो तुम्हें माफ कर देंगी जब तुम और मैं शादी करके उनके पास जाएंगे, तो उन्हें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। चलो तुम तो उधर साइड कैसे है? मुझ में और बिजली में कोई फर्क नहीं है,
गरजती ऊपर है, बरसती नीचे, समझा ना? ए हीरो, शानपति मत दिखा क्या? तेरी तो हीरो अब बना शाना बहुत पुराना, समझा ना? गुलू, ज्योति, ये ले ज्योति। ए, पकड़ो इस लंबे बाल वाले को। फिल्मों में फाइट करता है, इधर भी फाइट करता है, मारो इसको। ज्योति तुम मेरी हो, तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है, उस लंबे बाल वाले को तो मेरा आदमी खत्म कर देंगे, तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है। लंबे बाल वाले, पुलिस भागो, पर ज्योति मेरी है, कुछ भी हो जाए ज्योति मेरी है, मेरी ज्योति से शादी होगी। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। सब जी लगी तुम्हें? तीन भत्ती के बाद आज मौका मिला हाथ साफ करने का, और वो भी इसने गलत वक्त पर पुलिस बुलाकर वाट लगा दिया, वरना इनका कीमा बनाकर कुत्तों को निकला दिया था। वो औरत कौन? ज्योति की माँ है। ओ मेम साहब, ज्योति आप किस पानी कम चाय से अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं? जो गुंडों का सहारा लेता है आपकी बेटी को हासिल करने के लिए, वो इसे जिंदगी भर क्या संभालेगा? और अगर उस टपोरी में दम है तो अपने दीपक से वन बाय वन करके देख ले। वैसे भी इसमें क्या कमी है, पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनने वाला है ये। और जब ज्योति ने सपने साजन के देखे हैं तो उसे कौन रोक सकता है? अगर आप फिर भी ले जाना चाहती हैं तो शौक से ले जाएं। नहीं मामी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जाओ ज्योति जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी इस पराए धन को अपने साथ कितने दिन रखोगी? मुझे भी इसे अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं। जब एक बार लड़की घर से बाहर पांव रख देती है तो वो पराई हो जाती है, समझे? और अगर तुमको इतनी जल्दी है तो तुम फौरन बारात लेकर घर आ जाना, मुझे भी इंतजार की आदत नहीं। ठीक है ना काका? जी साहब जी, अब देर किस बात की, आशीर्वाद दे दीजिए, फिर तो बाद में लेते रहेंगे। जीते रहो बेटा। ऑटोग्राफ प्लीज, मेरे लिए नहीं, मेरे 6 महीने के बच्चे के लिए। बहुत बड़ा फैन है आपका।
अच्छा, हर फिल्म देखता आपकी। अच्छा, छह महीने का? कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया।